नमस्कार, एग्री मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मंगलवार 25 जनवरी। कल के सेशन की अगर हम बात करें तो कल पूरे एग्री पैक के अंदर जीरे को छोड़कर सभी कमोडिटीज में हमने हायर लेवल पे एक बिकवाली बनते हुए देखी। हमने देखा ग्वार कॉम्प्लेक्स में लॉन्ग लिक्विडेशन के चलते 1 से 1.5% की गिरावट बनते हुए दिखाई दी। वहीं कैस्टर काफ़ी सुस्त था, शॉर्ट कवरिंग के चलते 6300 का लेवल रीगेन जरूर कर दिया है, बट मार्केट एक रेंज में ही है। धनिया फ्लैट था। हल्दी में हमने 5% का पुल बैक आते हुए देखा प्रॉफिट बुकिंग के चलते, जबकि जीरे के अंदर जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट डिमांड आगे जाके बढ़ते हुए दिखाई देगी और साथ में डैमेजेस भी रिपोर्ट होते हुए दिखाई दे रही, जिसके चलते जीरे में तेजी बनी हुई है। नो डाउट लॉन्ग टर्म धनिया और जीरा नए हाई की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे, बट टाइमिंग हो सकता है टेक्निकली मार्केट ओवरबॉट होने की वजह से थोड़ा भी पुल बैक मिले, उस पुल बैक पे हमें लेके चलना है। आज के सेशन में जीरे में अगर हम मार्च वायदे की बात करें तो जब तक 19,100 के ऊपर नहीं निकलता है 18,300-18,400 तक का लेवल देखने में मिल सकता है। कॉटन सीड ऑयल केक में भी लोअर लेवल से एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। 3100 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है 3180 का एक पुल बैक हम आते हुए देख पाएंगे। वहीं आज के सेशन के लिए धनिया वीकनेस दिखा सकता है, बट डाउन साइड रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। 9,700 तक के लेवल पर हम बाइंग कर सकते हैं। जीरे के अंदर कल की तेजी के बाद 18,200 तक का एक पुल बैक दिखा सकता है, उस पुल बैक को फिर से हम लेके काम करेंगे। वहीं कैस्टर की बात करें तो प्राइजेस अब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, कहीं ना कहीं 6200 की रेंज में वापस प्राइजेस को सपोर्ट मिलना चाहिए, ओवरऑल टारगेट 6400 का रहना चाहिए। हल्दी के अंदर कल की गिरावट आज भी कंटिन्यू रहेगी, पर ध्यान रखिए 9500 और 600 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये लेवल तोड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दिन के पहले हाफ में गिरावट, बट दूसरे हाफ पे हम वापस बाइंग लौटते हुए देखेंगे। कॉटन के प्राइजेस में भी प्राइजेस को सपोर्ट मिल रहा है, बट नई तेजी के लिए 36,900 का लेवल तोड़ के होल्ड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज पूरे एग्री पैक के अंदर अगर हम बात करें तो मसालों में दबाव रह सकता है, कैस्टर में रेनबाउंड एक्टिविटी, कॉटन सीड ऑयल केक में ले वाली करना चाहिए, गवार में भी आज बाइंग करके चल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम अब तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।